take my hand and follow me out of you in a fantasy. It's something gorgeous, something sweet. Follow you in a fantasy. I'll be there, you'll be with me out of you in a fantasy. A place we meet, a place to be. फ्रेंड्स, अभी मैं किचन से झाड़ू करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं अपने किचन के अच्छे से पहले झाड़ू करूँगी और फिर दूसरा काम करूँगी। और ये देखो लीच बोलते हैं ना इसको, जोग भी बोलते हैं शायद हम लोग नेपाली लैंग्वेज में, इसको जुगा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए घर के अंदर ही आ जाता है यहाँ पे। तो अभी झाड़ू करने के बाद यहाँ पे धूल मिट्टी हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं पोंछ रही हूँ गैस को। मैंने वैसे तो उठ के चीनी वाला दूध चाय पी लिया है, सॉरी, तो अभी नमक वाला चाय पीने का मन हुआ। नमक वाला चाय बनके रेडी हो गया है, गर्मा गर्म चाय आप भी पी लीजिए। आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, इसको सीम साग सीम राय बोलते। और अभी यहाँ पे मैं साग देखने के लिए बैठ गई, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना हो और अच्छे से देखना होता है। उसके बाद चाय भी साथ में पी रही थी। चाय पीते पीते क्या काम करूँ, कुछ काम करूँ तो अपने लिए थोड़ा काम घट जाएगा, है ना, ये सोच के मैं यहाँ पे साग भी देख रही थी और अपना चाय भी एंजॉय कर रही थी। साग मैंने अच्छे से धोकर यहाँ पे टेबल में रख दूंगी ताकि एक्स्ट्रा वाटर सब निकल जाए। किचन को तो मैंने क्लीन करके डस्टिंग भी थोड़ा बहुत कर लिया है। उसके बाद आ गई मैं अपने बेडरूम में, यहाँ पे स्वीटी सो रही थी, यहाँ देखिए। और यहाँ पे धूल मिट्टी, अब झाड़ू करने के बाद इतना धूल लग जाता है चीज़ों में, टेबल में भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले टेबल को साफ़ करके उसके बाद सामान को साफ़ करके यहाँ पे रख दूँगी। और इसमें जो मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, इसको भी पानी चेंज करने का दिन है आज। मैं इसके पानी फेंक के चेंज करूँगी, दूसरा वाला पानी डालूँगी। और यही पानी से मैं टेबल में छिड़क रही थी पानी, और उसके बाद मैं अपने टेबल को साफ़ कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं टेबल के नीचे जो सामान रखा है उसको निकाल के वहाँ पे साफ़ करूँगी। और मैं सारा सामान नीचे ही रखती हूँ, मुझे टेबल खाली ही अच्छा लगता है। और उसमें थोड़ा सा एक दो प्लांट के पौधे रखूँ, लेकिन ये क्या करते हैं ना कि इनको ड्यूटी जाने में जल्दबाजी होता है, तो नीचे से सामान निकाल के बार बार ऊपर ही रख जाता है। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था, काम करने में इतना टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में देखो। और अब मैंने सारा सामान भी नीचे सेट कर लिया है। और अभी यहाँ पे मेरा अपना कबोर्ड है, ये ड्रेसिंग मिरर वाला, तो उसको भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भी तो धूल मिट्टी होती है। और टीवी को भी साफ़ कर रही हूँ, वहाँ पर भी धूल मिट्टी होती है ना, तो मैं अब तो मेरा सफाई आधा उधा हो गया है। अभी सिंगोनियम का पानी फेरूंगी, पानी फेरूंगी मतलब पानी चेंज करूंगी। अभी कभी कभी नेपाली वर्ड भी निकाल आता है, तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको साफ़ करके उसके बाद पानी डाल के दूसरा मतलब पानी डाल के करूंगी। सिंगोनियम मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन ये अच्छे से नहीं ग्रो हो रहा है अभी तो।
अभी मैं ये बिछाने वाला, इसको तोशक बोलते हैं, तोशक ब्लैंकेट सारा देन में रखा था, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन आए थे उनके लिए निकाला था। और यहाँ पे मैं पिलो कवर्स को भी निकाल रही हूँ इसको धोने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से इतना गंदा और इतना बदबूदार हुआ था, तो इसको मैं पहले धोऊंगी उसके बाद सुखाऊंगी तभी मैं फिर पिलो में लगाऊंगी। ये कपड़े इन्होंने ऊपर से अभी सुबह सुबह इन्होंने छत से नीचे लाए थे रूम में, क्योंकि धोकर सुखाए थे, सो सूख गया था कपड़े तो यहाँ पे रख रख दिए थे, तो मैं अभी यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे कुशन्स को सही करके रखूँगी। सो अभी यहाँ पे कुशन्स को सही करने के लिए यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मैं अपना देन, बुदेन अथवा देन। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर बुदेन के ऊपर कितना वो पानी पानी हो गया है, यहाँ पे बहुत सीपेज होता है, और मैंने यहाँ पे पोज भी लिया है अपना देन को। उसके बाद यहाँ पे सेट कर रही हूँ अपना कुशन, सही से नहीं बैठ रहा था पता नहीं क्यों, इसलिए फिर मैं रख रही और मेरा कमर टूट ही गया समझो। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी का मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग तो हो गया है, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अभी हो गया है 10:40 हो गया है, और अभी क्लीनिंग हो गया और पोछा नहीं करूँगी आज, क्योंकि कल किया था पोछा कल किया था, तो आज नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है कि चिपचिपा सा लगता है, डेली नहीं कर पाऊँगी बारिश में। सो अभी खाना बनाने का टाइम है, ठीक है ना, तो खाना बना के खाएंगे, उसके बाद मेरा नहाना आज बहुत लेट हो जाता है, लेट हो जाएगा पक्का, मुझे पता है, और खाना बनाते बनाते 12 तो बज ही जाएगा, है ना, हाँ 12 तो बज ही जाएगा। उसके बाद खाने के बाद बर्तन साफ, किचन साफ, उसके बाद ही मैं नहा पाऊंगी। सो चलिए फिर चलते हैं खाना बनाने। सो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को साफ करके मेरा सिंगोनियम यहाँ पे रख दिया है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने बाहर से एक प्लांट रख दिया है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा था, है ना। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे लिया है स्नेक प्लांट को यहाँ पे रख दूंगी, ये स्पाइडर प्लांट में दूसरे टेबल में रख दूंगी, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा है। हस्बैंड बोलते अंदर बाहर करती हो प्लांट को, लेकिन क्या करूँ, अंदर धूप नहीं आता है तो कभी कभार इसको धूप देना भी ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए मैं करती हूँ, कभी 2-3 दिन अंदर रखती हूँ फिर बाहर ऐसे करती हूँ ताकि धूप भी इसको मिले, क्योंकि रूम अंधेरा है तो इसको भी तो खाना माना चाहिए, है कि नहीं, इसलिए। तो ये देखिए स्पाइडर प्लांट इस वाले टेबल में मैंने रख दिया है, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं पका हुआ जैक फ्रूट को काट रही हूँ ताकि मैं खा सकूँ, है ना, तो मेरी बहन लेके आई थी उसके ससुराल से। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा खुशबू इसमें से आ रहा था ना, आप लोगों को क्या बताऊँ, मुँह में पानी ही आ गया। मैंने जैक फ्रूट को फोड़ लिया है, देखिए ये दाना है ना, दाना इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको बॉयल करके खाने में इतना बढ़िया लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, बचपन से ही खाते आ रहे हैं हम लोग इसका, जो बाहर का ये येलो कलर का ये भी खाते हैं और वो दाना भी खाते हैं, और इसका वो सब्जी भी बनता है एक अंदर वाला, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बनाते, रख देती हूँ ये बनाएंगे शायद। बहुत ही टेस्टी है, वाह मेरी बहन लाई थी उसके ससुराल से, सो गाइस अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्लीनिंग वाला, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग
देखने में मजा भी नहीं आएगा, है ना। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग पर, तब तक